हेलो फ्रेंड्स, किचन मिल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंगफली से झटपट से बनने वाला मीठा। फ्रेंड्स, जब भी हमारा अचानक से मीठा खाने का मन करता है तो आप इसको बना सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लंच के बाद, डिनर के बाद जब भी थोड़ा मीठा खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कोटेड पीनट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई रखेंगे, 2 कप मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। पहले हाई फ्लेम पर इनको अच्छे से गर्म करेंगे। मूंगफली जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इनको अच्छे से रोस्ट करना है हमें। मूंगफली जब रोस्ट होने लग जाती है तो इनकी आवाज़ इस तरह से आने लगती है। इसका छिलके का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। अब देखिए मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। इनको रोस्ट होने में 6 से 7 मिनट लगे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें चीनी डालेंगे 1 कप, थोड़ा पानी डालेंगे जिससे चीनी पिघल जाए। वन फोर टीस्पून दालचीनी पाउडर। अब इसको हमें पकाना है। जैसे जैसे इसका पानी सूखता जाएगा चीनी इसके ऊपर कोट होती जाएगी। आप देखिए चीनी अच्छे से कोट हो गई है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, तैयार है हमारे शुगर कोटेड पीनट। आप इनको ठंडा करके कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होंगे। फिर मिलेंगे तो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।